किसानों के हक की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान संगठन और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मध्य प्रदेश द्वारा रविवार के दिन किसान दौड़ का आयोजन हाटपिपलिया में किया गया। दौड़ का शुभारंभ युवा किसान संगठन के सचिव राधेश्याम वैष्णव द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। दौड़ देवगढ़ चौराहे से शुरू होकर बजरंग चौराहा, गांधी चौक से होते हुए पुनरु देवगढ़ चौराहे पर समापन किया गया। दौड़ के प्रतियोगियों को संबोधित करते हुए युवा किसान संगठन अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने कहा कि एक तरफ सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 40 से 50 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है, वहीं पर गेहूं की एसएसपी पर मात्र 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाना किसानों के साथ छलावा है, जिसके कारण किसान सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं। किसानों के आलू कोल्ड स्टोर में रखे हुए हैं और भाव ना मिलने की वजह से खराब हो रहे हैं। सरकारों को चाहिए कि वे आलू व प्याज का निर्यात करें व किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराएं, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले युवा किसान संगठन और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, हम लोगों ने मिलकर ये किसानाथन दौड़ का आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों ने जो वर्तमान हालात, जिस तरीके से हमारे देश का जो किसान है, जो मजदूर है, वो पार्टीवाद, परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद व क्षेत्रवाद की विचारधारा में अलग अलग बटा है। हम सब लोगों ने देश की जो आत्मा, देश की जो रीढ़ की हड्डी है, उसको एकजुट करने का ये प्रयास किया है, इसमें जिसमें हमने सभी धर्म के लोगों को, सभी समाज के लोगों को सर्वभाव संभाव के साथ किसान एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया। क्या उद्देश्य क्या है किसान एकता है, इसको हमने पांच मुख्य उद्देश्य से, हमारे नर्मदा सिंचाई परियोजना है, जिस तरीके से नर्मदा सिंचाई परियोजना की जो बहुत ही आवश्यक था और जिसकी काफ़ी समय से हम लोग प्रयासरत थे, लेकिन जब वो सिंचाई परियोजना हमारे देवास जिले में जब आई तो उसमें इस तरीके की बंदरबांट हुई है। जो राजनीतिक लोग हैं जिनकी सत्ता में पकड़ दी, उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में तो जो नर्मदा का पानी है वो पहुँचा दिया, लेकिन बुनियादी रूप से जिन गांवों में आवश्यकता थी, जहां पे पेयजल की भयंकर समस्या थी, उन गांवों को छोड़ दिया गया है, जहां पर सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जहां हजार हजार फीट तक का गहरा जो वाटर लेवल पहुंच चुका है, वास्तव में उन गांवों को छोड़ दिया गया है। तो हम इस किसानाथोन के माध्यम से, इस किसान दौड़ के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये जो आपने जो बंदरबांट बांटी है, जो नर्मदा सिंचाई परियोजना से आपने चिन्हित किस तरीके से किया है, ये हमारी मुख्य मांग थी। दूसरा, जिस तरीके से उपचुनाव में सरकार ने घोषणा की थी कि जो किसानों को जो फसल मुआवजा जो है वो दिया जाएगा, लेकिन 2019-20 और 20-21 दोनों ही सालों का जो फसल मुआवजा आज तक हमको नहीं मिला है। तीसरा, फसल बीमा। फसल बीमा जो मैं समझता हूँ कि किसान अपनी कड़ी मेहनत से, अथक परिश्रम से कमाए हुए पैसे से फसल बीमा करवाता है, लेकिन सरकारें उस फसल बीमा को भी इंश्योरेंस कंपनी से साठगांठ करके समय रहते किसानों को फसल बीमा नहीं देता है, इसलिए वर्ष 2019-20 का व वर्ष 2020-21 का फसल बीमा हम लोगों को दिया जाए, ये हम लोगों की मांग थी। साथ ही साथ तीनों जो कृषि कानून है, मैं समझता हूँ ये जो तीनों कृषि कानून जिस तरीके से बनाए गए हैं, उन्होंने किसानों की कमर की हड्डी को तोड़ दिया है। आए दिन हम जिस तरीके से देखते हैं व्यापारी गांव-गांव से माल खरीद के फरार हो जाते हैं, अभी हम देखें कि जो खाने का तेल, अगर 6 महीने पहले 8 महीने पहले जब कानून, 5 महीने जब कानून आए थे, उससे पहले हम देखें तो 1200 रुपये का 15 लीटर का तेल का डब्बा आता था, 80-90 रुपये लीटर अधिकतम तेल था, लेकिन आज भाई खाने का तेल 200 रुपये लीटर हो गया है और तेल का जो डब्बा है वो 2500 रुपये में खरीदने के लिए आम आदमी मजबूर है। मैं समझता हूँ तीनों जो कृषि कानून हैं वो काले कानून हैं और इनको वापस किया जाए, ये हम लोगों की एक महत्वपूर्ण मांग थी। एक सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों की जो इसमें मांग है, मैं समझता हूँ जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि 40 रुपये समर्थन मूल्य में, 1975 रुपये जो समर्थन मूल्य था उसको 2015 रुपये किया है, मैं समझता हूँ ये एक तरीके से ऊँट के मुँह में जीरा है, क्योंकि जहाँ पेट्रोल डीजल में, डीजल में अगर हम देखें तो 40 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल में जो है देखें तो 50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, वहीं गेहूँ में एक क्विंटल के ऊपर 40 रुपये बढ़ाना, मैं समझता हूँ किसानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा व्यवहार है, इसलिए इन सब बातों का विरोध करने के लिए और किसानों की एकता का प्रदर्शन करने के लिए हमने किसान आंदोलन का आयोजन किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।